नमस्कार, News20 बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तक की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां समस्तीपुर प्रखंड के लगुनिया सूर्यकंठ गांव स्थित संत कबीर कॉलेज के पास स्थित माता के मंदिर में चैत्र नवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दौरान माता के दर्शन करने बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहीं सुबह तथा शाम में माता की होने वाली आरती में भी बड़ी संख्या में मां के भक्त शामिल हो रहे हैं। नवरात्र पर्व को देखते हुए देवी स्थान को आकर्षक विद्युत आर्टिफिशियल सामानों से सजाया गया है। माता का यह मंदिर इस समय लोगों के आस्था का केंद्र बना हुआ है। मंदिर व संपूर्ण मेला परिसर में सुरक्षा के दृष्टिकोण से CCTV भी लगाए गए हैं। यहां कलश स्थापना के दिन से ही यज्ञ, हवन व पूजन का आयोजन किया जा रहा है। मंदिर परिसर में दिन व रात के समय भजन कीर्तन का भी आयोजन किया जा रहा है। मेला समिति के सदस्य अरविंद कुमार राय का कहना है कि स्थानीय लगुनिया सूर्यकंठ तथा आसपास के दर्जनों गांव की महिला श्रद्धालु इस चैत नवरात्रा में पूजा करने शहर की ओर जाती थी। चूंकि चैत मास में कड़ी धूप रहती थी, जिसके कारण कुछ महिला श्रद्धालु जो माता का उपवास रखती थी, पैदल मंदिर जाने के कारण रास्ते में ही बेहोश हो जाया करती थी। श्रद्धालुओं के इन्हीं परेशानियों को देखते हुए उन लोगों ने माता के मंदिर का स्थापना कर उनकी पूजा अर्चना करने की सोची और आज उन लोगों ने स्थानीय युवाओं के सहयोग से वर्ष 1996 में इस मेला का शुरुआत किए, जो आज भी अनवरत रूप से जारी है। अभी तक के लिए बस इतना ही। कुछ देर बाद हम फिर हाजिर होते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक बने रहिए News20 बिहार की आवाज के साथ। नमस्कार। स्थान पर कब से चैती नवरात्रा की शुरुआत की और क्यों किया? इस पूजा की स्थापना आपको सबसे पहले आपको धन्यवाद। इस पूजा का स्थापना 1996 में किया गया। हम कुछ नवयुवकों के द्वारा विचार किया गया, चैती नवरात्रा जिला में दूर दराज में लग रहा है और मेरे ग्रामीणों को दूर दूर तक जाना पड़ता है माता का दर्शन करने के लिए, इसलिए हम नवयुवकों ने मिलकर 1996 में मेला का गठन किया और 1996 से होते हुए आज तक पूजा करते आ रहे हैं और छोटा मोटा मेला लगाया जाता है, इसमें प्रशासन का भरपूर सहयोग रहता है और ग्रामीणों का भी भरपूर सहयोग रहता है। कितने दिनों तक यह मेला लगता है? ये मेला प्रथम दिन यानी कि कलश स्थापन से लेकर दशमी तक रहता है। दिन बढ़िया पड़ने पर दशमी के रोज विसर्जन हो जाता है। इस बार दशमी सोमवार के रोज है, सोमवार को विसर्जन हो जाएगा। जिस अवसर पर किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया? नहीं, सांस्कृतिक कार्यक्रम में सुगम संगीत का कार्यक्रम किया जाता है। इस बार जिला प्रशासन की तरफ से कोरोना प्रोटोकॉल के देखते हुए किसी प्रकार का कोई मतलब आदेश नहीं दिया, आदेश नहीं दिया। भजन कीर्तन का आदेश है और भजन कीर्तन का संख्या यहाँ होता है। इसका विसर्जन कब किया जाएगा माता के प्रतिमा का? विसर्जन सोमवार 11 अप्रैल 2022 संध्या 6 बजे किया जाएगा।